मध्य प्रदेश के गोगावा जिले में सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। ज्यादातर घटनाएं तेज रफ्तार के कारण हो रही हैं, लेकिन इस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसा ही एक हादसा गोगावा मोहम्मदपुर रोड पर हुआ, जहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। गोगावा मोहम्मदपुर रोड पर जगदम्बा माता मंदिर के पास मोड़ में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार में सवार दो युवक को गंभीर चोटें आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना रविवार रात्रि करीब 10 बजे की बताई जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार सवार युवक मोहम्मदपुर से गोगावा की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। टीआई दिलीप गंगराड़े ने बताया कि दुर्घटना में दनायल पिता हयात खान और उमर उर्फ टोनी पिता हुसैन की मौत हो गई थी। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। इनके पिता की गोगावा में मालवा टेंट की दुकान है। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद दोनों गाड़ी में बुरी तरह से फंस गए थे। घटनास्थल पर अंधेरा होने के से बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे तैसे दोनों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के चलते परिवार में मातम छा गया है। खरगोन से संवाददाता महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। एक्सीडेंट को लेकर क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 19/1/2020 की एक बात है, रात्रि करीबन 9 से 10 के बीच की बात है कि गोगांव से करीबन 2 किलोमीटर दूर जगदम्बा माता मंदिर के पास में एक सेंट्रो कार अनियंत्रित होकर टकरा नीचे पलट गई थी, जिसमें दो बच्चे दानियल पिता हयात खां और उमर रहमान पिता हुसैन खां की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया। क्या नाम है सर आपका? सहायक निरीक्षक अमजद खान, थाना गोगांव। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।